पीएम मोदी और भारत पर विवादित टिप्पणी करने वाले मंत्रियों को मालदीव सरकार ने निलंबित कर दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि मालदीव के नेताओं की ओर से जैसी टिप्पणी की गई उससे वहां के पर्यटन उद्योग को घाटा होगा। ये सारी बहस पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे से शुरू हुई थी, जिनकी तस्वीरों को देखने के बाद सोशल मीडिया पर एक तबका ये कहने लगा था कि अब छुट्टी मनाने मालदीव नहीं लक्षद्वीप जाएं। मालदीव और लक्षद्वीप की तुलना करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। भारत से मालदीव पहुंचना आसान है और कम वक्त में पहुंचा जा सकता है। मालदीव वीजा फ्री है। लक्षद्वीप जाने के लिए आपको परमिट लेना होता है। भारत से मालदीव जाने के लिए अच्छी खासी संख्या में फ्लाइट्स उपलब्ध हैं। वहीं अगर आप लक्षद्वीप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो फ्लाइट्स की संख्या कम है। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि मालदीव और लक्षद्वीप एक दूसरे से कितने अलग हैं और ये तुलना सही है या गलत। मालदीव भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। भारत के शहर कोची से मालदीव की दूरी करीब 1000 किलोमीटर है। ये 1200 द्वीपों का समूह है। ज्यादातर द्वीपों में कोई नहीं रहता। मालदीव का क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर है, यानी दिल्ली इससे 5 गुना बड़ा है। मालदीव की आबादी करीब 4 लाख है। इस देश की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर टिकी हुई है। मालदीव की अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का 1/4 से ज्यादा हिस्सा पर्यटन से आता है। मालदीव जाने वालों में सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की है। बीते साल भारत से मालदीव करीब 2 लाख लोग गए थे। 2021 में करीब 3 लाख और 2022 में ये संख्या करीब 2.5 लाख थी। मालदीव के मीडिया संस्थान AVAS के मुताबिक मालदीव आने वाले सबसे ज्यादा पर्यटक भारतीय हैं। मालदीव पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक मालदीव में 175 रिजॉर्ट, 14 होटल, 865 गेस्ट हाउस, 156 जहाज, 280 डाइव सेंटर्स, 763 ट्रेवल एजेंसियां और 5 टूर गाइड्स हैं। मालदीव में घूमने की कई जगह हैं, जैसे कि सन आइलैंड, ग्लोइंग बीच, फिहाल होई आइलैंड, माले सिटी, माफुशी, आर्टिफिशियल बीच और मामीगिली। कई ट्रेवल वेबसाइट्स के मुताबिक जनवरी से अप्रैल मालदीव घूमने का सबसे सही समय है। अब बात लक्षद्वीप की। भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप से मालदीव करीब 700 किलोमीटर दूर है। लक्षद्वीप केरल के कोची से 440 किलोमीटर दूर है। ये इलाका 36 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार करीब 64,000 की आबादी में यहाँ की 96% आबादी मुसलमानों की है। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल करीब 32 वर्ग किलोमीटर है, यानी मालदीव लक्षद्वीप से 10 गुना बड़ा है। लक्षद्वीप में 10 बसे हुए द्वीप हैं। इनमें कवरत्ती, अगाट्टी, अमिनी, कदमत, किलातन, चेतलाट, बिट्रा, आंदे, कल्पनी और मिनिकॉय हैं। बिट्रा में सिर्फ 271 लोग रहते हैं और वहीं बंगाराम द्वीप में करीब 61 लोग रहते हैं। लक्षद्वीप में लोगों की कमाई का अहम जरिया मछली पकड़ना और नारियल की खेती है। लक्षद्वीप में पर्यटन उद्योग भी तेजी से बढ़ा है। कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि बीते साल लक्षद्वीप जाने वाले पर्यटकों की संख्या करीब 25,000 रही थी, यानी मालदीव जाने वाले भारतीयों की संख्या लक्षद्वीप की तुलना में 8 गुना ज्यादा है। कोची से लक्षद्वीप जहाज के जरिए 14 से 18 घंटों में पहुंच सकते हैं। यहां जाने में कितने रुपए और वक्त खर्च होगा ये सब इस पर निर्भर करता है कि आप किस द्वीप पर जा रहे हैं और कितने दिन के लिए जा रहे हैं। लक्षद्वीप में घूमने के लिए कवरत्ती आइलैंड, लाइट हाउस, मस्जिद, अगाट्टी, कदमत, बंगारम, थिन्नाकारा जैसी जगहें मौजूद हैं। मालदीव की ही तरह लक्षद्वीप में भी सफेद रेत के बीच हैं। यहाँ जाने के लिए सबसे सही समय मई से सितंबर के बीच का है। यहाँ तापमान 22 से 36 डिग्री सेल्सियस रहता है। दिसंबर से फरवरी के बीच यहाँ पर्यटकों की काफी भीड़ रहती है। मगर ध्यान रहे कि लक्षद्वीप जाने के लिए आपको प्रशासन से परमिट लेना होता है और यहाँ कई द्वीपों पर एंट्री प्रतिबंधित है या सरकार की अनुमति लेनी होती है। लक्षद्वीप नाम की कहानी भी दिलचस्प है। मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का मतलब है 1 लाख द्वीप।